अभी सब लोग तैयार हो चुके हैं, तो अभी हमारे जाने का समय हो चुका है। वैसे तो हमको सुबह 6 बजे निकलना था, लेकिन अभी देखिए टाइम क्या हो रहा है, 9 बज रही है। तो गाइस सब लोग बैठ चुके हैं गाड़ी में, तो अभी चलते हैं। तो गाइस अभी पहला टोल नाका आ चुका है हमारा, तो गाड़ी में फास्टैग बनाया नहीं था मैंने, तो वहाँ सामने से अभी फास्टैग बना के आया हूँ। हाँ फुल। हे गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, जय श्री राम, जय दादारी साहब, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह के बज रहे 5:17 और मैं उठ चुका हूँ, क्योंकि आज हमको जाना है राजस्थान बाय रोड गाड़ी लेके। तो अभी मैं उठ के तैयार हो चु तो अभी मैं उठ चुका हूँ और फटाफट तैयार हो जाते हैं और गाड़ी आगे लाते हैं और सामान वामान भरते, क्योंकि सामान भी ज़्यादा है आज, तो सामान भी साथ में ले जाना है। और हम तीन चार लोग भी है, तो फटाफट तैयार होते हैं और फिर चलते हैं RJ 22। तो भाई ये कुछ सब सामान है जो हमको ले जाना है। इतना सब सामान कैसे आएगा, मैं तो पहले से ही वो हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, कि जैसे तैसे करके एडजस्ट करेंगे। तो चलते हैं, गाड़ी आगे लेके आता हूँ मैं, और ये सब सामान तो अंदर रख देता हूँ। और इन बॉक्सेस में बूंदी भरी है जो हमने बनाई थी, नुक्ती, दो दो बॉक्सेस में। तो गाइस गाड़ी के पास आ चुका हूँ मैं, और ये रही हमारी गाड़ी। तो कल मैंने सब सामान मैंने सब खाली कर दिया था, अंदर बिल्कुल खाली है सब, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा। तो गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट करता हूँ और आगे ले जाता हूँ और सब सामान भर देते पहले, और फिर नहा धो के तैयार होते हैं और फटाफट निकलते हैं, क्योंकि क्या अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी है, तो अभी दोपहर से पहले पहले पहुंचना ज़रूरी है। तो फटाफट तैयार होते हैं, सामान वामान भरते और चलते हैं RJ 22। तो गाइस गाड़ी हो चुकी है कोल्ड स्टार्ट, अभी इसको लेके जाते हैं हम घर के आगे। धीरे 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 भाई, धीरे स्लोली। अभी सुबह के 5 बज रहे, 5:30 बज रहे, अभी सुबह के 5:30 बज रहे, अभी अंधेरा ही है। तो गाइस सामान मैंने सब रख दिया है, तो अभी फटाफट नहा धो के तैयार हो जाते हैं, सब उठ भी चुके हैं, सिर्फ हमारे उज्जवल सिंह सो रहे हैं। इनको तो सोने दो, इनको तो उठा के सिर्फ गाड़ी में बिठाना ही है। तो फटाफट नहा धो के मिलते हैं फिर। तो गाइस नहा धो के तैयार हो चुका हूँ मैं, और अभी जा रहा हूँ दूध की थैली लेने बाजार में, और सुबह सुबह का माहौल चेक कीजिए भाई। गाइस सुबह सुबह का माहौल चेक कीजिए, अभी 6:30 बज रहे हैं और थोड़ा थोड़ा उजाला होना शुरू हो चुका है। और मौसम भी बहुत मस्त हो रहा है, तो ये जा रहा हूँ मैं। तो सब लोग तैयार होते हैं, उसके बाद चलते हैं RJ 22। और आज तो मोजड़ी डाली है, मोजड़ी पगेरा थोड़ी मोजड़ी। तो गाइस श्री कृष्ण का मंदिर भी आ चुका है, तो दर्शन करते ही जाते हैं। बोलो किशन कन्हैया लाल की जय। गाइस ये है महादेव जी का मंदिर, अभी बन रहा है, काम चालू है इसका। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। जय महाकाल, जय महाकाल। तो गाइस अभी पीपल के पेड़ को
जल चढ़ाते। पीपल के पेड़ को अभी जल चढ़ाते हैं। तो गाइस दर्शन करके आ चुका हूँ, सामने दूध की दुकान है तो दूध की थैली लेते हैं और फिर चलते हैं घर। तो गाइस अभी सब लोग तैयार हो चुके हैं, तो अभी हमारा जाने का समय हो चुका है। वैसे तो हमको सुबह 6 बजे निकलना था, लेकिन अभी देखिए टाइम क्या हो रहा है, 9 बज रही है। टाइम से तो कोई चलता ही नहीं है, घर का काम है, घर का काम करते करते समय हो ही जाता है। उधर से तैयार हो आप, आ जाओ सब हमारे धुन में। उज्जल सिंह के जाओ सब। तो गाइस अभी तैयार हो चुके सब, तो अभी गाड़ी में बैठेंगे, सामान वामान सब रख दिया है हमने अंदर। तो आज डालेंगे वो जेडी, उज्जवल सिंह क्या डालेगी। तैयार फाइनली। तो गाइज हम दोनों जाके गाड़ी को तैयार करते हैं, गाड़ी वैसे तैयार ही है लेकिन थोड़ा बहुत कपड़ा मारते हैं, बाकी तब तक सब लोग आ जाएंगे। तो गाइज सब लोग बैठ चुके हैं गाड़ी में, तो भी चलते हैं और सब सामान भी रख दिया है। युवराज सिंह की एग्जाम है तो वो बाद में आएंगे। जय अम्बे, जय अम्बे। उज्जवल सिंह चलो, तो गाय चलते हैं अभी। बोलो कहता राम जी महाराज की जय हो, जय हो। तो अभी चलते हैं। तो गाइस अभी हाईवे पे चढ़ चुके हैं हम। तो गाइस फाइनली हम हाईवे पे चढ़ चुके हैं अभी। Out black windows when she go down, you must be crazy if you think that I'ma slow down, but wanna hear it talking shit from. तो गाइस राजस्थान बॉर्डर आ चुकी है अभी। तो ये बॉर्डर क्रॉस करते ही राजस्थान में एंटर हो जाएंगे। तो गाइज अभी पहला टोल नाका आ चुका है हमारा, तो गाड़ी में फास्टैग बनाया नहीं था मैंने, तो वहाँ सामने से अभी फास्टैग बना के आया हूँ मैं। तो अभी टोल नाके पे ये दिखाना पड़ेगा ऐसे करके। तो गाइज अभी राजस्थान में पहली बार अभी गैस पुराते हैं, यहाँ गैस का पंप आया है, तो देखते हैं यहाँ क्या रेट है। सबको उतरना पड़ेगा नीचे, यहाँ है 83। हाँ फुल। तो गाइज गैस हमने भरवा दिया है, तो वहाँ से कुछ 9 रुपये किलो के पीछे ज़्यादा है इधर रेट। राजस्थान है पेट्रोल भी ज़्यादा है, तो CNG ऑफ कोर्स होगा ही थोड़ा ज़्यादा रेट, कोई नहीं। तो भी हमारा कम ही CNG यूज हुआ, 3-3.5 किलो। अराउंड हमने आधा रास्ता तो कवर कर लिया है, अभी हम पिंडवाड़ा पहुँचने वाले हैं, 10-15 किलोमीटर ही है। तो अभी यहाँ पेशाब पानी करने के लिए, वॉशरूम वगैरह जाने के लिए, पानी वानी पीने के लिए यहाँ रुके हैं पेट्रोल पंप पे। तो अभी गाड़ी अभी चलाते हैं आगे, और कहीं रास्ते पे रुकेंगे खाना वाना खाने के लिए। खाना हम साथ में पैक करवा के लेके आए थे घर पे, घर से पैक करके ही लेके आए थे, तो खाना खा लेंगे रास्ते में से। रास्ते में रुकेंगे कहीं अच्छी जगह, तो खाना भी खा लेंगे। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं फटाफट, गाड़ी उठाते हैं और चलते हैं अभी। तो गाड़ी अभी यहाँ कौन सा झाड़ है पता नहीं, झाड़ पता नहीं कौन सा है, लेकिन यहाँ छाव में हमने रोकी है गाड़ी। अभी खाना खाने का टाइम हो चुका है, बहुत टाइम से चलते जा रहे हैं, तो अभी भूख लगी है, तो अभी यहाँ रुके हम खाना खाने के लिए, तो खाना खाएंगे। अभी पाली मात्र 120 किलोमीटर रहा है, पाली सिर्फ 120 किलोमीटर रहा है, तो अभी दो ढाई घंटे 3 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो यहाँ छाव में रोकी है गाड़ी, और आज मौसम भी बहुत अच्छा है, धूप नहीं है इतनी, हवा भी चल रही है बढ़िया। तो
सब खाना वाना हम पैक करके लेके आए थे घर से, तो अभी खाना खा लेते हैं। तो गाइस मेरा भी खाना आ चुका है, तो अभी खाना खा लेते हैं। आलू की सब्जी, मिर्ची, ये कैरी का सुंदा पूरी, और उज्जवल सिंह यहाँ पे उज्जवल सिंह भी उठ चुके हैं या सो रहे हैं पीछे। ओ उज्जवल सिंह। तो गाइस खाना पीना हो चुका है अभी, और उज्जवल सिंह हम दोनों पीछे बैठे हैं यहाँ। उज्जवल सिंह, ये उज्जवल सिंह की बोतल पानी की, सब सामान हमने पीछे ही रख दिया था। सब्जियां वगैरह भी लेके जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ जाते ही खाना तो दो तीन टाइम का तो चाहिए ना। सब सामान हमने ऐसे कुछ खचाखच भरा है यहाँ, और दो लोग पीछे बैठते हैं, दो लोग आगे, चार लोगों की जगह, और पांचवा हमारा उज्जवल सिंह, ये तो हमारे गोदी में बैठता है, ये लड़की तो गोदी में बैठती है। तो उज्जवल सिंह खाना खाया आपने? खाना खाया आपने? ये मत डालो मुंह में, खाना खाया आपने? तो गाइस खाना पीना हो चुका है, अभी निकलते हैं। बॉनेट भी मैंने खोल दिया था ताकि हवा लग रही, इसको इंजन गर्म हो गया था, इंजन थोड़ा गर्म था तो बॉनेट खोल दिया, तो हवा अड़ती रही इसको भी। सिस्टम है, सिस्टम भाई इधर। तो गाइस हमारा फास्ट है, बिना टोल भरे हम निकल चुके हैं, क्योंकि सिस्टम है अपना, सिस्टम सिस्टम है अपना। आगे अच्छा उन्हें गाड़ी जावा दिया, वही वही वादे जी मारा ले जाओ। अभी एक होटल पे रुके हैं चाय पानी के लिए। अभी पाली सिर्फ यहाँ से होगा 25-30 किलोमीटर, और एक होटल पे रुके चाय पानी के लिए, और ये पड़ी अपनी गाड़ी। तो थोड़ी देर गाड़ी को भी आराम देते हैं, और हम भी थोड़े फ्री चलते हैं, थोड़ा हाथ पैर हिलाते हैं। सबकी कमर अकड़ चुकी है, कांटा राजस्थानी कांटा देसी बावड़िया। तो भाई चाय का ऑर्डर दे दिया हमने, और हाथ मुँह धो दिया, मस्त फ्रेश हो चुके हैं, और ये रहे उज्जवल सिंह। तो गाइस देसी स्टाइल से चाय बन रही है, कोलसो के तब से, एक हाथ से घुमा रहे हैं और एक साइड में चाय बन रही है। तो गाइस देसी कुल्हड़ वाली चाय आ चुकी है हमारी, तो अभी चाय पीते हैं सब लोग। तो गाइस चाय पानी हो चुका है, अभी गाड़ी उठाते हैं और चलते हैं फटाफट, लेट हो रहा है, अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं, तो फटाफट पहुँचते हैं घर। तंदूरा लेने आवे जी अनिरो भाई, तो क्या कह बोले मां दे जो नहीं नहीं करी कहू ना नहीं। Fire went out, lights went... तो गाइस अभी दूसरी बार सीएनजी भरवा रहा हूँ मैं, क्योंकि राजस्थान में क्या पता नहीं है, अराउंड 100-110 किलोमीटर चलने के बाद वापस से सीएनजी भरवा रहा हूँ, आगे पता नहीं हम मिले ना मिले कहीं। गुजरात में तो क्या हर जगह पता है कि मिलता है, यहाँ का कुछ आइडिया है नहीं, इसलिए भरवा दिया वापस से। तो गाइस पाली पहुँच चुके हैं, तो सीधा रास्ता जाता है पाली, और हमको जाना है जोधपुर वाले रास्ते में, पाली सिटी में जाता है रास्ता, वो है पाली सिटी में। यस गाइज ये सब है पाली की फैक्ट्रियां, कापड़ की, मंडिया रोड की फैक्ट्रियां, ये सब। तो गाइज अभी हाईवे से उतर चुके हैं, अभी ऑफ रोडिंग वाला रास्ता आ चुका है हमारे गांव जाने का। कोई ट्रेन आने वाली होगी, चोटीला की फाटक आ चुकी है, तो यहाँ से अभी बिट्टू चिप 2-3 किलोमीटर ही है। गाड़ी चला चला के हाँ थके तो नहीं है वैसे, लेकिन अभी गर्मी है तो गर्मी लग रही है, तो फटाफट घर पहुँचते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो गाड़ी ट्रेन आ चुकी है,
तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं गांव। बिट्टू बिट्टू, ये रहा गांव का तालाब, पानी तो है। आयु बेटा हैवी ड्राइवर, हैवी ड्राइवर गांव के। तो ये एंट्री है हमारे गांव की। तो ये हमारे गांव के महादेव जी का मंदिर है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ये सीधा रास्ता हमारे गांव घर ही जाता है मोहल्ले में। तो सीधे घर के पीछे ले जाके खड़ी करते हैं। तो गाइस ये है हमारा वाड़ा। नौरा नहीं, हमारी जगह क्या बोलते हैं उसको, हमारा नौरा। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं अभी। तो अभी फटाफट घर वर खोलते हैं, साफ सफाई करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस गाड़ी यहाँ पार्किंग लगा दी है अभी, तो अभी चलते हैं घर। ये है हमारे घर के पीछे से एंट्री। तो ये है हमारा गांव का घर, दो रूम है। तो अभी साफ सफाई करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ ज्यादा रहते नहीं है, तो कचरा बहुत हो गया होगा। तो अभी साफ सफाई करेंगे थोड़ी बहुत। ऊपर छत है और ये पौड़ है और ये किचन, देसी किचन गांव का। तो गाइस अभी घर पहुंच चुके हैं फाइनली। तो अभी साफ सफाई करेंगे, उसके बाद जो सामान लेके आए हम तो सामान रख देंगे घर पे। और अभी सब फैमिली से मिल के आता हूँ और फिलहाल इस व्लॉग को अभी मैं एंड करता हूँ। आई होप मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा और चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। और हाँ गाइज, आने वाले व्लॉग बहुत ही एक्साइटेड होने वाले हैं, तो कंटिन्यू आप व्लॉग देखना। अभी राजस्थान में आया हूँ मैं होली के त्यौहार पर, तो आपको व्लॉग के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा। तो आगे वाले व्लॉग आप जरूर से देखिएगा। बाय।